Defence aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about Indian Prime Minister visit to Russia for 22nd India-Russia Annual Summit. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture, and international relation. So let's get started with our topic. देखो हुआ क्या है रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी उन्होंने रिसेंटली विजिट किया है रशिया में किस चीज के लिए ट्वेंटी सेकेंड इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए राइट right. अभी देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी सिग्निफिकेंस क्या है इस विजिट को लेके? देखो दोनों कंट्रीज के बीच में एनुअल एनिमल सम, समिट होता है जिसमें इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर और रशिया की तरफ से प्रेसिडेंट जो है आपस में मुलाकात करते हैं तो ये जो है ना ये ट्वेंटी सेकेंड इंडिया रशिया एनिमल समिट आ, हुआ है जो इस बार रशिया में ऑर्गेनाइज हो रहा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे ठीक है किससे मिलने पुतिन से मिलने लेकिन जब कोविड की महामारी आ गई थी तो पिछले दो तीन सालों के लिए ये सस्पेंड हो गया था इंडिया रशिया समिट एंड मीन यूक्रेन में वॉर शुरू हो गया अभी जो ट्वेंटी सेकेंड समिट ऑर्गेनाइज हुआ दो में अगर हम इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इस समिट की देखो आम तौर पर ना ये देखा जाता है जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी सेरेमनी के बाद जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज में विजिट करते हैं जैसे नेपाल भूटान लेकिन इस बार वो पहली बार बायोलिट्रल विजिट पर गए हैं रशिया में तो इससे पता चलता है रशिया की इंपॉर्टेंस कितनी है इंडिया के लिए बिकॉज़ उन्होंने इस ट्रेडिशन को तोडा है राइट right? अब देख लेते हैं कैसे इंडिया मेंटेन कर रहा है मल्टी अलाइनमेंट स्टांस किस चीज पे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे देखो इंडिया को ना बैलेंस करके चलना पड़ रहा है किसके साथ रशिया के साथ और वेस्ट के साथ इंडिया के रिलेशन जो है रशिया के साथ और वो वेस्ट के साथ वो ये एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कि इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच है हम देखते हैं कि हमें वेस्टर्न एलाइज यूएसए जैसे कंट्री से प्रेशर मिलता है फिर भी इंडिया अपनी स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन करके चल रहा है रशिया के साथ एज एन एविडेंस वी सी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की रीसेंट विजिट जो देखी गई मॉस्को में साइमेंटेनिस इंडिया ने अपने टाइज को स्ट्रेंथन किया है किसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थ्रू स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप ये जो ये जो डेलीकेट बैलेंसिंग एक्ट है ना उसके वजह से इंडिया को जो है लाभ लावरिश मिलती है अपने हिस्टोरिकल टाइज जो रशिया के साथ है उनको मेंटेन करके रखने की और वो जो है वेस्टर्न पावर से भी बेनिफिट हो रहा है टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके सेकंड इज अफ्रीकन यूनियन इंक्लूशन इन जी ट्वेंटी देखो इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी जो कि 2023 में थी एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट को मार्क किया है उसने उसने शो केस किया है अपनी एबिलिटी को जो ब्रिज करता है क्या जो फ्रैक्चर्ड डिवाइड देखा गया था ना ग्लोबल लैंडस्केप में उसको अभी एक मेजर हाईलाइट क्या है कि इंडिया का जो सक्सेसफुल पुश रहा है ना अफ्रीकन यूनियन को लेके कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए जी ट्वेंटी में उससे रिप्रेजेंटेशन जो है ग्लोबल साउथ की और बढ़ गई है ये मूव ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया कमिट करता है खुद को कि वो रिफॉर्म लाएगा ग्लोबल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में और वो वॉइस बन के निकल के आ रहा है डेवलपिंग नेशन की और अपने टाइज भी उसने स्ट्रेंथन अप किए हैं किसके साथ अफ्रीका के साथ न्यू डेली के लीडर्स की जो डिक्लेरेशन है उन्होंने ग्लोरी को अचीव किया है डिस्पाइट जियो टेंशन और फर्दर अंडरस्कोर किया है इंडिया के डिप्लोमेटिक पावर्स को इन फॉस्टरिंग कंसेंश ऑन क्रिटिकल ग्लोबल इशू अपार्ट फ्रॉम दैट नेविगेटिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखो इंडिया का जो स्टांस है ना रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे वो यू नो एक्जम्प्लीफाई करता है डिप्लोमेसी को इंडिया अपने हिस्टोरिक टाइज को मेंटेन करके चल रहा है रशिया के साथ और उसके बाद इंडिया ने जो है ऑयल परचेस किया है डिस्काउंटेड रेट्स पे और अभी भी करता हुआ आ रहा है तो ये और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट पे भी अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट ये थी किसको प्रेसिडेंट जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनको कि आज का एरा जो है वो वॉर का नहीं है राइट जिसने ग्लोबल अटेंशन जो है गेन की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट से मिले यूक्रेन के ड्यूरिंग जी सेवन समिट इन इटली ये जो बैलेंस अप्रोच इंडिया चला अपना के चल रहा है वो मेंटेन करते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जबकि वो खुद को भी एक पोटेंशियल मीडिएटर के तौर पर बीच में रखे हुए हैं नेक्स्ट इज बैलेंसिंग अप्रोच टू इसल हेमास कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का रिस्पांस जो था इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को वो अपना एग्जाम्पलीफाई uh, करता है न्यू मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच इन फॉरेन पॉलिसी देखो स्विफ्टली कंडेम किया इंडिया ने सेवन अक्टूबर 2023 का अटैक हमास अटैक और अपनी सॉलिडारिटी दिखाई इसराइल के साथ इंडिया ने साइमटेनियसली डी को कॉल किया डायलॉग की बात की और बोला गया कि रिटर्न कीजिए डिप्लोमेसी को इंडिया अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट देता है टू स्टेट सॉल्यूशन को और इंडिया एडवोकेट करता है इंडिपेंडेंट पैलेस्ट स्टेट को अलॉन्ग साइड विद इजराइल दो ये अप्रोच जो है बड़े मुश्किल से इंडिया मैनेज कर पाया है अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को विद इजराइल और अपनी सपोर्ट भी दिखाता रहा है इंडिया पैलेस्टाइन कॉज के लिए और इंडिया जो है एंटीक टेररिज्म like, के सख्त अगेंस्ट है इसी तरीके से इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर बन के बाहर निकल के आता है

सीमिंगली अपोजिंग ब्लॉक्स सो दैट फर्दर जो है वो अपने इंटरेस्ट को दिखा सके इंडो पैसिफिक रीजन में नेक्स्ट इज मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है आई टू यू टू में दैट इज इंडिया इसल यू एस ए वो एक नया चैप्टर बनाता है मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी में ये जो कोआर्डिनेट्रल इकोनॉमिक फॉरम है उसका एम क्या है प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को लावरेज करना और एक्सपर्टीज दिखाना अपने मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को और एडवांस करना लो कार्बन डेवलपमेंट को पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना उसके साथ साथ इंडिया अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके चल रहा है किसके साथ ईरान के साथ दैट इज चाबार पोर्ट डेवलपमेंट साउदी अरेबिया के साथ जो डेमोन्स्ट्रेट करता है खुद की एबिलिटी को टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स रीजनल डायनामिक नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायनाटेजिक ऑटोनॉमी इन डिफेंस एक्विजिशन इंडिया की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है ना वो एप्टोमाइज करती है उसके मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच को कंट्री जो है कंट्री ने खुद को डाइवर्सिफाई किया हुआ है खुद के डिफेंस इंपोर्ट्स में जिसमें वो एक्वायर करता है एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया एंड रफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस एम क्यू नाइन बी ड्रोन फ्रॉम द यू एस ए साइमन इंडिया पुश कर रहा है खुद की इंडिजीनियस डेवलपमेंट को भी किसके थ्रू आत्मनिर्भर भारत के थ्रू और ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है दैट इज एन इनिशिएटिव इन डिफेंस और जिससे हमने देखा गया है कि तेजस फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन हुई है और डेवलपमेंट देखी गई है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियस में लाइक आई एन विक्रांत क्लाइमेट लीडरशिप एंड एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया ने खुद को ऐसे पोजीशन पे रखा है कि वो एक लीडर के तौर पे निकल के आ रहा है क्लाइमेट एक्शन में और खुद को बैलेंस कर रहा है डेवलपमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सोलर एलायंस पेयर हेडेड बाई इंडिया जिसके हंड्रेड से ज्यादा में इंडिया का एम्बिशियस रिनेबल एनर्जी टारगेट और रीसेंट लॉन्च जो है ग्लोबल बायोफ्यूल का जो कि शोकेस करता है उसकी कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइमेंटेनियसली इंडिया जो है एंगेज होना चाहता है लाइक विद मल्टीपल पार्टनर्स फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी जिसमें ऑयल इंपोर्ट आगे फ्रॉम रशिया एंड न्यूक्लियर कॉपरेशन आगी विद कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड यूएस नेक्स्ट वी हैव स्पेस डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन देखो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है ना वो क्या एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है उसका डायवर्स इंटरनेशनल ये जो सक्सेसफुल चंद्रयान थ्री लूनार मिशन है वो सिर्फ इंडिया की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज कैपेबिलिटी नहीं करता है लेकिन उसके कोलाबोरेटिव अप्रोच को भी दिखाता है विद डीप स्पेस नेटवर्क प्रोवाइडिंग सपोर्ट इंडिया पार्ट है आरटेम का जो कि यूएस लेड इनिशिएटिव है फॉर लूनार एक्सप्लोरेशन वो अपने स्पेस कोऑपरेशन को मेंटेन करके चल रहा है रशिया के साथ थ्रू प्रोग्राम्स लाइक गगनयान कि जो मल्टी स्पेस डिप्लोमेसी है उसकी वजह से इंडिया बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम वेरियस पार्टनरशिप वाइल एजर्टिंग इट्स पोजिशन एज अ मेजर स्पेस पावर नेक्स्ट इज वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड हेल्थ पार्टनरशिप इंडिया को जो रिस्पॉन्स है कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक को लेकर थ्रू इट्स वैक्सीन मे थ्री इनिशियेटिव वो शोकेस करता है उसकी कैपेसिटी को एज अ ग्लोबल हेल्थ पार्टनर और वो सप्लाई कर किया उसने इंडिया ने न्यूमरस कंट्रीज को वैक्सीन को जिसमें वेस्टर्न नेशन भी आए ग्लोबल साउथ पार्टनर्स भी आए इंडिया रेनफोर्स करता है अपनी इमेज को एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ये जो बैलेंस बनाया है ना इंडिया ने विद मीटिंग डोमेस्टिक वैक्सीन नीड्स और कोलैबोरेट किया है वैक्सीन की डेवलपमेंट uh, पे विद मल्टीपल कंट्रीज जिसमें यूएस आ गया जैसे नोवैक्स रशिया आ गया स्पुतनिक फाइव

और इंडिया को बहुत टफ चॉइसेस लेनी पड़ रही है बिकॉज इंडिया किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता सेकंड इज रिस्पॉन्डिंग टू रीजनल पावर डायनामिक्स इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच तो चला के चल रहा है जो कि कॉन्स्टेंटली टेस्ट की जा रही है बाई शिफ्टिंग रीजनल पावर डायनामिक्स स्पेसिफिकली अगर हम अपने नेबरहुड की बात करें ये जो बैलेंस करके चलना है ना रिलेशंस को विद कंट्रीज लाइक नेपाल श्रीलंका मालदीव जहां पे चाइना ने सिग्निफिकेंट इन बनाए हैं जिसमें केयरफुल डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है रिसेंट स्ट्रेन देखा गया इंडिया मालदीव रिलेशन में जिसमें प्रो चाइना स्टैंड आया मालदीवियन गवर्नमेंट का वो एग्जाम्प्लीफाई करता है नया चैलेंज अपार्ट फ्रॉम दैट रिलायबिलिटी कंसर्न इंडिया मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी तो यू नो फॉलो करता है बट उसकी वजह से एक परसेप्शन आ जाता है दूसरे कंट्रीज के उसमें कि इंडिया अनर unreli है फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने खुद को विड्रॉ किया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जिसके वजह से काफी सारे क्वेश्चन रेस किए गए उसके कमिटमेंट को लेके किस चीज को कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनिशिएटिव को लेके सिमिलरली उसका इश्यू जो इंडिया का स्टैंड है डेटा लोकलाइजेशन और ई कॉमर्स रेगुलेशन में वो भी कई बार ऑर्ड्स को पुट कर देता है विद यूएसए एंड अदर वेस्टर्न पार्टनर्स पोटेंशियली इंपैक्ट करता है खुद की इमेज एज अ रिलायबल स्ट्रेटेजिक एलाय नेक्स्ट इज नेविगेटिंग इकोनॉमिक प्रेशर जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ना वो लिमिट करती है इंडिया की एबिलिटी को टू मेंटेन ट्रू ऑटोनॉमी और जो थ्रेट है सेकेंडरी का फ्रॉम यूएस ओवर विद रशिया और ईरान वो इंडिया को एक डिफिकल्ट पोजीशन में पुट इन कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया को इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप में चूज करना पड़ रहा है ये चैलेंज जो है ना रिड्यूसिंग डिपेंडेंस का ऑन चाइनीज इंपोर्ट इम्पोर्ट यू नो सीकिंग टू मेंटेन इकोनॉमिक एंगेजमेंट में दूसरे कंट्री से वो भी एक क्वेश्चन अपने आप में रेज करता है

डिबेट जो होती है फाइव जी टेक्नोलॉजी को लेकर और एक्सक्लूजन ऑफ चाइनीज फर्म्स लाइक हुआ वो डिफिकल्टी को इलुस्ट्रेट तो uh, करते हैं इन बैलेंसिंग सिक्योरिटी कंसर्न विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस कॉपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी देखो डिफेंस इक्विपमेंट जो प्रोक्योर किए जाते हैं डायवर्स सोर्सेज से जैसे एस फोर हंड्रेड सिस्टम को हमने प्रोक्योर किया रशिया से पी ए एट आई एयरक्राफ्ट को यूएसए तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी के इशू को रेज करते हैं जो कि कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को और ऑपरेशन को विद वेरियस पार्टनर्स ये रिस्क करते हैं रनिंग ऑफ ऑफ पार्टनर कंट्रीज सैंक्शन या फिर हम कहें जैसे काटसा एक्ट जो यूएस uh, लगा देता है अपने कंट, दूसरे कंट्रीज पे अगर कोई भी रशिया से कुछ चीज परचेज करता है नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन डेवलपमेंट नीड्स इंडिया की कमिटमेंट तो है क्लाइमेट एक्शन को लेके तभी तो इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने ही खुद वो किया है लेकिन फिर डेवलपमेंट नीड्स के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट मेट हो जाते हैं तो इंडिया को बैलेंस करके चलने की जरूरत है क्लाइमेट uh, गोल्स के साथ साथ विद कंटिन्यूड रिलायंस ऑन वॉट कोल और ऑयल इम्पोर्ट जो कि सिग्निफिकेंट चैलेंज भी प्रेजेंट करते हैं किस चीज को मेंटेन uh, करने के लिए क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अक्रॉस वॉट डिफरेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट फॉरम नेक्स्ट वी हैव इज डायस्पोरा डायनामिक्स इंडिया लार्ज और इंफ्लुंसल डायस्पोरा है और uh, उसके पास जो एसेट है वो कॉम्प्लिकेट करते हैं मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वी नीड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन डायस्टफोरा इन गल्फ कंट्रीज जैसे रिसेंट रिलीज ऑफ नेवी वेटर फ्रॉम कतार जो देखा गया जिससे इंडिया की ग्रोइंग टाइज को देखे गए विद जो जिसमें केयरफुल डिप्लोमेसी की जरूरत है इंडिया का जो डायस्पोरा है वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे कंट्रीज को जैसे कैनेडा और यूके लाइक द रिसेंट एक्सकलेशन ऑफ खालिस्तान मूवमेंट तो कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट कर देता है

क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए अलग हेल्थ डिप्लोमेसी के लिए अलग देन वी नीड टू लैव डायस्पोरा नेटवर्क स्ट्राटेजिकली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाया जाए जो एंगेज करे इंडियन डायस्पोरा को डिप्लोमेटिक एफर्ट में ये क्या करेगा ये स्टैब्लिश करेगा डायस्पोरा डिप्लोमेसी काउंसिल राइट रीजनल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है बनाए जाने चाहिए जो कि जो मेजर चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज वाटर सिक्योरिटी या फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनको एड्रेस करें टनोमिकार्टनरशिप इकोनॉमिक पार्टनरशिप मॉडल जो अलाउ करेगा ये करता है, करने में क्या प्रोटेक्शनिस्ट की नीड विद इन इंपेरेटिव ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट राइट कल्चरल डिप्लोमेसी 2.0 को लॉन्च करना चाहिए जो कि ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सचेंज के भी बियॉन्ड हो जिसमें डिजिटल आर्ट वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन हेरिटेज और ग्लोबल स्पोर्ट टूर्नामेंट्स आए, राइट जिसमें यंगर और टेक से भी ग्लोबल ऑडियंस अपील करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिप्लोमेसी होनी चाहिए जैसे इंडिया खुद को देखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिप्लोमेसी बाय इनिशिएटिंग अ ग्लोबल साउथ सस्टेनेबिलिटी अलायंस और प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए जिसमें बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर किया जा सके ट्रैक वन डिप्लोमेसी एनहांसमेंट स्ट्रेंद करना चाहिए ट्रैक वन पॉइंट फाइव डिप्लोमेसी बाइ क्रिएटिंग को राइट डिजिटलिटी इनिशिएटिव शुड बी देयर मल्टीलेटर रिफॉर्म लीडरशिप शुड भी देयर स्पेस बेस्ड डिप्लोमेटिक मिशन शुड भी देर अट्रिंग एंगेजमेंट स्ट्राटेजी शुड बी देयर इन ऑर्डर टू में डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट विद डिफरेंट पार्टनर्स So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.